अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम फुल अरबी स्टाइल में ड्रेसअप है। ये आप देखें जी, हमने फुल डिस्टैशा पहना हुआ है। वैसे पता नहीं इसको डिस्टैशा बोलते हैं कि नहीं, लेकिन ये एक इमराती पता नहीं क्या है, इमराती डिस्टैशा। तो मैं भी फुल अरबी बना हुआ हूँ, अनिया फुल अरबी बनी हुई है और हम फुल सीन्स में चल रहे हैं। I look like a traveler too, look at me. ये जो डिस्टैशा के नीचे चप्पल पहनते हैं अरबी लोग, उसको बोलते हैं नाल। तो ये हमने नीचे नाल भी पहनी है। Full on scene on it. What you're wearing is not a naal. It is a naal. It's not a naal. Then? Naal ऐसी नहीं होती, नाल वो थोड़ी पेशावरी चप्पल टाइप की चप्पल वर्जन हो। ओह, लेदर चप्पल, लेदर चप्पल। चले लग तो रही है ना? नहीं लग रही, looks like a very basic. चप्पल। अच्छा, तो सीन ये है कि हमारा होटल है ये और वो रहा हरम। तो यहाँ से नीचे जाना तो बहुत आसान है, लेकिन ऊपर आना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एक स्लोप है जो आपको 3-4 स्लोप्स टेक्निकली ऐसे क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये देखिए, इस तरह की स्लोप्स हैं, ये है एक और नीचे और उससे एक नीचे भी है। नीचे से ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से नीचे जाना बहुत ईजी है। अभी तक हमने शटल नहीं ली, ना जाने के लिए ना आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वापसी हमने कल खैर एक दफा टैक्सी ली थी क्योंकि हम थक बहुत गए थे, लेकिन अब हम जरा शटल लेना ट्राई करेंगे। सीन ये कि आप जो भी होटल ले लें और उस पर अगर लिखा भी हो कि मस्जिद हरम के पास है, तो वो पास एक्चुअली नहीं है, क्योंकि मस्जिद हरम इतनी बड़ी है कि आप वहाँ से निकलते हैं तो आपको कुछ भी नहीं, तो करते करते आपको 20-25 मिनट आधा घंटा लग ही जाता। हम फाइनली पहुंच गए, हम मस्जिद हरम के गेट पे फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इनसाइड। असर की अज़ान होने वाली है, तो असर की नमाज पढ़नी है। क्या हुआ? मैं तुम्हारी पार्किंग डालूं यहां पे, सुबह नो वेट करूं। हम घूम जाते हैं हर दफा, तो अभी हमें अल शबीका एस्केलेटर के सामने, हम गूगल मैप पे लोकेशन डालते हैं ताकि यहां पे मिलेंगे। ये हमने डाल दी यहां पे पार्किंग ताकि हम घूमें नहीं, और इसी पॉइंट पे हम मिल लें। ओके बाय। साथ ही सबसे पहले समझा, तो फाइनली डन में असर की नमाज। आपको एक बात बताता हूँ, जो मदीना में और मक्का में बहुत ज़्यादा होती है वो ये है कि हर नमाज के बाद एक जनाजा होता है। तो एवरी टाइम यू आर कमिंग हेयर, मेक श्योर कि आपको जनाजा पढ़ना आता है, जनाजे की नमाज पढ़नी आती है, क्योंकि हर नमाज के बाद जनाजे की नमाज लाजमी होती है। एंड फाइनली रीयूनाइटेड। तो यार सीन ये कि मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी डाउन थी काफ़ी दिनों से, तो आज फाइनली मेरी एपेटाइट थोड़ी सी वापस आई है। और अभी जो गले में ड्राई कॉफ होती है ना, अनिया मुझे बोली थी कि ये रिकवरी की निशानी होती है, तो कहती ड्रामे ज़्यादा नहीं करो, तुम बेहतर हो रहे हो। मैंने कहा वाकई वैसे बेहतरी की तरफ तो जा रहा है। सो हमने डिसाइड किया था कि होटल का नाश्ता मिस करवा दिया इसने। हाँ यार, ऐसे मिस हो गया, बिल्कुल एपेटाइट ही नहीं थी। मैंने कहा जाके भी क्या करूँगा, फूल खा लूँगा, फूल कोई अरबी ना डिश होती है, मैंने कहा हल्की सी वो खा लेते, वो लाइट सी होती है, या दाल खा लूँगा। मैंने कहा यार मतलब मैं, मुझे लगता है मैं ज़ाया ही करूँगा एपेटाइट। सो अभी हम जा रहे हैं क्लॉक टावर फूड कोर्ट, अपेरेंटली ये बहुत अच्छा है। कल हम गए थे, वो क्या था जबल उमर कॉन्ट्राट वाले में, वो बस ठीक था, मतलब वहाँ पे ज्यादा ऑप्शन नहीं थी। यहाँ पे अपेरेंटली अनिया कह रही है कि ऑप्शन बहुत ज्यादा है, तो देखते हैं। खाने से पहले मैंगो शेक, वन मैंगो जूस प्लीज, थैंक यू। फन फैक्ट अबाउट सऊदीया, यहाँ पे लोग शेक को शेक नहीं बोलते, मतलब अगर मिल्क शेक है वो उसको मिल्क शेक नहीं बोलेंगे, वो जूस बोलते हैं। अभी मिल्क शेक है बट उसको जूस बोलते हैं। पिछले आधे घंटे से हम फूड कोर्ट में घूम रहे हैं और हमें कोई अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं लग रही, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, जो भी देख रहे हैं बहुत सैड लग रहा है। तो यहाँ पे ये द व्यू, मतलब ये तो अरबी में लिखा है लेकिन नाम इसका द व्यू है, तो यहाँ से वो बिल्कुल व्यू नजर आ रहा है। तो यहाँ पे खाना खाते हैं, थोड़ा सा फैंसी हो जाता है, सीन बहुत कूल है। यहाँ पे है बुफे का सिस्टम, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मेन्यू देख सकते हैं, तो हम सारा मेन्यू देख के आए, हमने कहा अप्रूव, फैंसी थोड़ा हो जाए, प्लस हरम का यहाँ से व्यू भी पूरा आ रहा है। हमने डिसाइड किया कि हम बैठेंगे बाहर, क्योंकि द व्यू पे हमें व्यू ही चाहिए, और माशाल्लाह व्यू चेक करें, यहाँ पे हमें सारा मस्जिद हरम का व्यू नजर आ रहा है। रियली विश के काबा का भी आता है। तो फाइनली अपने व्यू वाले बुफे से फारिग होके हम आए हैं अबराज हाइपर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे हमें लेनी है कुछ चीज़ें। एक तो लेनी है कैंची, क्योंकि हमने दूसरे उम्रे के लिए जाना है, बच्चे आ रहे थे, वो दो लट काट के आपसे 20 रुपया ले रहे थे, उससे बेहतर हमने कहा कि हम आराम से अपनी कैंची ले लेते हैं और आराम से करेंगे, और हमें बाहर आके गंज करा लें। और उसके अलावा थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये ऑब्वियस चीज़ें जो हमारी बेगम को बड़ी पसंद है, थोड़ा सा गंद वाला हमें बेगम को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं लेने नहीं देता। तुम ले रही, मैं खुद ले भी नहीं रही, मैं शदान को तस्वीर भेज रही थी, हम लोग मेरी हमारी शादी के टाइम पे डांस प्रैक्टिस पे सिर्फ और सिर्फ यही खाते थे, उसकी तरफ जाएं। सबसे पहले हम स्टार्ट करें हैं, ये क्या है? मामूल। वो क्या? दीज आर डेट बिस्किट्स, मुझसे माहा ने मंगवाए हैं, आई डोंट नो अगर यही बने हैं या क्या है, बट मामूल ही नाम था उनका, सो होपफुली दीज आर इट। अच्छा वो वाले, ये दोनों ले लेते हैं, जो भी हो उसको दोनों ही दे दूंगी। आई फील सो वियर्ड, मैं जब भी किसी पानी के आयल पे आता हूँ ना, तो मैं 5 मिनट ना ये देखता हूँ। आई हैव अ वेरी वियर्ड थिंग फॉर पानी की बोतलें, मतलब मुझे पानी की बोतलों की शेप बड़ी अच्छी लगती है। अब जैसे ये वाली पानी की बोतल है, इसकी मुझे शेप बड़ी प्यारी लग रही है, मेरा दिल कर रहा है इसको ले जाऊँ, मुझे इसकी बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे वो शीशे वाली बोतल बड़ी अच्छी लग रही है। आई डोंट नो, आई थिंक आई एम अ लिटिल वियर्ड विद पानी की बोतलें, जैसे कितनी प्यारी बोतलें हैं, लाइक एस्थेटिक बोतलें ना, मेरा मुझे जमा करने का शौक, मेरा दिल करता है मैं खरीदूं, घर पे लेके जाऊं और उसमें दोबारा भर के पानी पीऊं। पोस्ट मगरिब का टाइम है और माशाल्लाह लोगों की तादाद देखें और रश देखें, वहाँ से लेकर वहाँ आपकी जहाँ तक पॉसिबली नजर जा सकती है आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। हमने आने से पहले सबसे बड़ी गलती है कि वो 3 पिन टू 2 पिन वाला जो चार्जर कन्वर्टर होता है ना, वो नहीं हम लेके आए, वो तकरीबन लिटरली 50 रुपये के 100 रुपये का मिलता है, और यहाँ पे अब हम फायरों ने हमें मदीना में हमने होटल वाले से मांगा था, उसने दे दिया। यहाँ पे हाउसकीपिंग है, उसने बोला कि गेस्ट जो है वो साथ ले रहे थे, तो ये लोग देते ही हैं। हम एक सुपरमार्केट गए, वहाँ पे कुछ 150 रियाल का, हमने वाई
पावर डिलीवरी एंड पता नहीं फलाना ढिमकाना। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जरा सस्ती ऑप्शन है, हा? दो ले लो। हाँ सो यहाँ पे रिलेटिवली जरा सस्ती ऑप्शन है, मैंने ले लेते हैं यार, जरूरत तो है। तो ये प्रोटेप आप लोगों को देख रहा हूँ, आप जब भी आए ना तो ये प्लीज साथ लेके आए, पैसे बचा लें। अलहमदुल्ला आज तबीयत भी ठीक है और आज हम अलहमदुल्ला जा रहे हैं सेकंड उमरा के लिए। मैंने सोचा था हम जितने ज्यादा कर सकेंगे ना उतने करेंगे, लेकिन जितनी ज्यादा तबीयत इजाजत देगी उतने करेंगे। तो फाइनली आज तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई एंड वी डूइंग इट। सीन ये कि कुछ दिनों से तबीयत काफी डाउन थी, आज हिम्मत पकड़ी है और आज अनिया ने डे को पिला पिला के हमारी जो तबीयत है वो ठीक कर दी है। अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने और नाश्ता करके हम जाएंगे मस्जिद आयशा और वहां से फिर हम जाएंगे उमरा के लिए। मैंने डिसाइड किया कि मैं बटरी बुटरी चीज नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा हेल्दी हेल्दी चीजें, ये खाऊंगा और उसी तरह का नाश्ता करूंगा जैसे मैं घर पे करता हूँ, ताकि पेट जो है वो बड़ा नाजुक हुआ है, रिस्क नहीं लेनी भाई। मैंने काफी दिनों से होटल का नाश्ता ही नहीं किया क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो काफी डाउन थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफी सेट हो गई है। सो बैक टू माई ब्रेकफास्ट, ये मैं यूजली खाता हूँ लेकिन तस खाता हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कि यार जरा हेल्दी हेल्दी बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाना, कोई गंद नहीं खाना, अल्लाह ने सेहत दी है तो पूरा सेट होना है। ब्रेकफास्ट चॉइसेस का डिफरेंस, जैसे लगा था कि अनिया बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खा रही है लेकिन बड़ा कंट्रोल है भाई, वेरी नाइस फ्रेश। हम दोनों बैठ के इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, यहाँ मैं अंडे छील रहा हूँ, वहाँ पे अनिया मेरे अंडे छील रही है। फाइनली डन विद एवरीथिंग, अब जरा हमने टैक्सी बुलाई है ताकि हम जाएं मस्जिद आयशा और फिर वहाँ से आए उमरे के लिए। अच्छा मैंने नोटिस किया कि यहाँ सऊदी में जो टैक्सी कल्चर है ना वो इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, जितना यूएई में ऑर्गेनाइज है उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। मतलब यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ जो है वो आपको खुद हायर करनी पड़ती हैं और आपको खुद नेगोशिएट करना पड़ता है कि कितने में लेके जाओ। अभी हम मस्जिद आयशा आना जाना करना है तो तकरीबन 80 रियाल्स, विच आई फील इज फेयर इनफ, ठीक है। ठीक है ज़ाहिर है आपके पास अपनी चॉइस नहीं है, आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट भी है, आपको जाना भी आना भी है और आपको उतना ढूंढना भी नहीं है, तो उसके हिसाब से आई फील इट्स फेयर इनफ। जी मज़े की बात यह है कि मैंने आज तौली वाले कपड़े नहीं पहना, थोड़ा स्लाइटली पतला कपड़ा है। वैसे अनइंटेंशनली मैं दो लेके आया था, तो मैंने लिया था आलमगीर सेंटर से, ये वाला जो है ये अनिया के अबाई के साथ ही मिला था, काफी पतला है, मतलब दरमियाना कपड़ा है, मतलब उतना मोटा नहीं है, दिस इज रिलेटिवली कंफर्टेबल। तो फाइनली अभी भी पहुंचे हैं मस्जिद आयशा, ये रही मस्जिद आयशा। मक्का मदीना में मैंने इतने कबूतर देखे हैं, ये हर जगह पे आपको इतने मोटे मोटे कबूतर नजर आते हैं, पता नहीं लोग खाना बहुत डालते हैं क्या है, लेकिन बहुत नजर आते हैं ये देखिए। मस्जिद के बाहर में बिल्लियां नजर आ गई और हमने कैट फूड लिया हुआ था, ये हमने डाल दिया है इनको कैट फूड, ये 1, 2, 3, 4 बिल्लियां तो अभी नजर आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी ठीक ठाक बिल्लियां थी, आपस में खा कम रही हैं और लड़ ज्यादा रही हैं। और मैं लिटरली बोलते हुए निकली थी कि यार हम यहाँ पे तो कोई बिल्लियां मिली नहीं, खाना किसको डालें, और देखते साथ ही बहुत ज्यादा बिल्लियां मिली। अब जो ड्राइवर है उसने हमें होटल के बाहर ड्रॉप कर दिया क्योंकि आगे हरम बंद है, वहाँ पे हमें पैदल चलकर नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम पैदल यहाँ से एंटर हो रहे हैं उमरा पिलग्रिम्स एंट्री सेंटर। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर सेकंड टाइम और उमरा गेट है, यहाँ से अंदर जाएंगे। ये जो गेट है यहाँ से जब आप अंदर आते हैं तो आपको आते 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 यहाँ से आपको काबा नजर आता है माशाल्लाह। फिर जब आप इस गेट से आते हैं तो आप होते हैं फर्स्ट फ्लोर से, आपको उतरनी पड़ती हैं सीढ़ियाँ, तो ये सीढ़ियाँ जो हमें उतरनी है, सामने काबा है, यहाँ से उतरते साथ ही माशाल्लाह हमारे बिल्कुल सामने काबा है। इस पॉइंट से आगे हमारा उमरा शुरू हो जाता है। सीन ये है कि अनिया का उमरा तो हो चुका है, मेरा उमरा भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी बाल कटवाना जरूरी है। यहाँ से बाहर जा रहे हैं बार्बर शॉप ढूंढ के जरा बाल कटवाने, फाइनली मेरा ढूंढने के बाद ये बार्बर शॉप मिल गई है। सो इट्स टाइम फॉर गंज नॉट अ हेयर कट। फाइनली आई एम डन, मैंने करानी गंज थी लेकिन ये भी ऑलमोस्ट गंज ही है, ये तकरीबन जीरो का ट्रिमर है। दिस इज हाउ आई लुक, अनिया ने अभी तक मुझे देखा नहीं है, अनिया के जूस वूस भी नहीं गई है, तो अभी मैं उसको कॉल करता हूँ, मैं उसका रिएक्शन देखता हूँ। ये हम मेरी गंज के साथ खेलेंगे सारा दिन, क्या है स्टॉप टचिंग इट। अनिया ने सारा दिन यू 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 खेल खेल के तंग करना मुझे। तो जी दिस इज हाउ आई लुक इन माय गंज और अब हुआ है उमरा कंप्लीट। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ये ऐसे खेलते रहेंगे, ये मेरी टेंट के साथ खेलती रहेंगे, मेरी गंज का मजाक मत उड़ाओ। या इसका मतलब ये नहीं कि तुम खेलो सुबह सुबह कॉलेज आजाद भाई के कि यार तुम आ रहे हो ना तो अल ताजे लाजमी खा के आना, वन ऑफ द बेस्टेस्ट बेस्ट है। मेरी जिस दिन तबीयत बहुत खराब थी तो अनिया लेके तो आई थी कप्सा, चिकन कप्सा, लेकिन मेरी तबीयत इतनी डाउन थी कि मैं खा नहीं सका। अब एपेटाइट जब वापस है तो हम आए ऑल द वे, हम ताजिश की तरफ आए,
लेकिन यार वो लाइन बहुत लंबी है। तीन ये कहानियां जब पहले आई थी तो लेडीज लाइन जो बहुत छोटी थी कंपेयर्ड टू द मेन साइड, बट मेन तो सुभान अल्लाह और लेडीज सुभान अल्लाह। तो भाई अल्ताज़ को यहीं से बाय बाय। अच्छा चलता हूँ। कोई सीन नहीं, कोई सीन नहीं, कोई सीन नहीं, इतनी लंबी लाइन में लगने कोई सीन नहीं। यहाँ पे जितना रश है मुझे लग रहा है कि हमें रूम सर्विस ही मंगाना पड़ेगा। नहीं यार वो ठंडा होता है, वो गरम करते मेरे में चलने की हिम्मत नहीं है, मेरे में चलने की हिम्मत नहीं है। मतलब आपका दिल भी ना हो ना जबरदस्ती पर जाना पड़ेगा भाई। मुझे वैसे बड़ी जोर की फीलिंग आ रही है कि हमें एंड में रूम सर्विस मंगाना पड़ेगा, पर हम अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि इतना बुरा नहीं है। इस होटल का जो रूम सर्विस है ना बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो सकता है, खाना बहुत अच्छा हो, लेकिन भाई वो फोन ही नहीं उठाते। मैंने रात को उनको कोई चार कॉलें की और उनसे पता नहीं उनके पास रश आता है क्या है। हम लोगों ने उनसे थ्री पिन इतनी दफा मांगा आज, बोलते इंशाल्लाह, और वो थ्री पिन कभी भी नहीं आया। मुझे लगा था कि इंशाल्लाह का मतलब हमारे पाकिस्तानी इंशाल्लाह, मैं सोच रहा था, मैंने कहा अनिया इसने मुझे इंशाल्लाह बोला, मतलब इंशाल्लाह का मतलब होता है इफ गॉड विल, मतलब उनका ही तरीका होता है बोलने का कि जरूर आपको मिलेगा, लेकिन हम पाकिस्तानी टालने के लिए बोलते हैं इंशाल्लाह। तो मैंने कहा पाकिस्तान वाला इंशाल्लाह, ये अरबियों वाला इंशाल्लाह, तो एंड में था पाकिस्तानी वाला इंशाल्लाह, और एंड में हमें खुद ही लाना पड़ा था। हाँ वैसे लग तो रहा है। अनिया मुझे इस सेक्शन में ले आई है, मुझे कोल्ड सैंडविच नहीं खाने, बहुत सैड लग रहे हैं यार, बहुत ठंडे लग रहे हैं। यार मैं जब भी फ्रूट वाले सेक्शन पे आता हूँ ना और मैं ऐसे आम देखता हूँ ना, कहता हूँ यार पाकिस्तान के आम बेस्ट है, बेस्ट। दायरी से बात है, खाने की चीज ले ली है तो हमें ओजे, ओ भाई अपने साइज का तो उठाओ, मतलब वो उठाओ जैसे 10-20 आ जाए मुझ में, सब में साइज तो बहुत छोटा है। इधर दिखाओ जरा, 1.5 लीटर वाला है। हाइड्रेशन, आज मुझे लग रहा था मैं हीट स्ट्रोक से मर जाऊं। अरे गर्मी तो वाकई बहुत थी, मैंने आराम का कपड़ा अपने सर पे ओढ़ लिया था, बहुत तेज चुभ रही थी। एंड फाइनली बैक इनटू माय डिश डैश, इतना कंफर्टेबल है यार। अब मुझे समझ आया कि अरबी इतने कंफर्टेबल क्यों होते हैं, दिस इज मोर कंफर्टेबल देन सलवार कमीज, लेकिन इसका सिर्फ एक प्रॉब्लम, इसकी जो रेंज ऑफ मोशन है ना वो बस इतना है, ज्यादा यू कांट स्प्रेड। सलवार कमीज में ये था कि आपका रेंज थोड़ी ज्यादा होती है, दिस इज वे मोर कंफर्टेबल। मदीना की बिल्लियां तो प्यारी थी ही, मक्का की बिल्लियां भी बहुत प्यारी है यार, ये देखो ये फुल ऑन खेल रही है। क्या हुआ यार, वो जरा एक्साइटेड ज्यादा हो गई थी, उसको प्यार करते ना, दूसरी वाली गायब हो गई तो वो रही, वो दूसरी बैठी है। इन्होंने ठान लिया कि इन्होंने मेरे मेरी गंज के साथ खेलना है। सो मच फन, व्हाट्स फन, इट्स सो सॉफ्ट, मतलब तुम रोज ये करोगी। हां इसलिए कराई थी मैंने गंज, है दो उमरा भी कर लिया लेकिन दिल नहीं भरता, काबा को देखने आ गया, काबा को देखना ही सवाब है जी। सीन ये है कि हमने सुबह कुछ खाया नहीं था, मैंने कुछ ज्यादातर ब्रेड ले ली थी वो खा ली थी, तो अब हम आए यहाँ पे अल्ताज़िद, क्योंकि एक टाइम का तो खाना हमें सही से खाना है। हमारा खाना आ गया अल्ताज़िद से, अनिया ने अपने लिए रोल ले लिया क्योंकि रात में उनको बहुत भूख लगती है और मेरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं कि मुझे खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए, कौन जाए कितने नीचे खाना लेने यार। तुम्हें कब बोलती, चलो मैं खुद ही लेके आती हूँ। एक दिन ना मैं था बहुत बीमार तो मैं जा नहीं सकता था, तो ये एक दफा चले गई, शी इज रबिंग इट इन माय फेस। और ये क्या है, राइस। ये है बेबी चिकन यार, वाकई बेबी है। ऑर्डर देते हैं ना जो सेल्स कनिया को बोला कि बेबी चिकन, अब लास्ट टाइम बनिया जब कैप्सा लेके आई थी ना तो वो इतना बड़ा था, तो इसने दो ले लिए, तो वो बहुत ज्यादा हो गया, तो हमने बोला थोड़ा आराम से ऑर्डर करेंगे, इसने बोला कि बेबी चिकन। बेबी चिकन क्या होता है यार, ये क्या है। नेक्स्ट स्टॉप इज क्रिस्पी क्रीम, क्रिस्पी क्रीम यार, हम ये क्रिस्पी क्रीम को ना मिस करेंगे, बड़ा मिस करेंगे, मतलब ऐसे डोनट्स पाकिस्तान में मिलने चाहिए। हाँ 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 हाँ, आई लाइक दिस बेटर, इज अ लाइट। अभी अभी हम वापस होटल आए हैं, और होटल हों या हम घर पे हों हमारी एक ही रूटीन है, शार्क टैंक। हमें बड़ा मजा आता है, ये हमारी रात की रूटीन होती है, हर रात को ये देखना, मतलब एक तो ये कि प्रोडक्टिव भी होता है, ऊपर से इतने आइडियाज फूट फूट के दिमाग में ऐसे आते रहते हैं, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, फिर दिमाग थोड़ा सुलाना पड़ता है कि भाई नहीं 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 सो जाओ सो जाओ। तो आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अनटिल देन अल्लाह हाफिज़।